शॉल में हमने शूट किया है। वहाँ पे इतनी ठंड थी, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जो पल्टन है हमारी जो टीम थी वो एक फौज की तरह हमने काम किया और बहुत मज़ेदार काम किया। और जहाँ पे जेपी सर डायरेक्टर है तो वहाँ पे अपने आप एक टीम बन जाती है। तो आई थिंक शूट ख़त्म होने के बाद हमारी जो बॉन्डिंग है, सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर, निधि, जेपी सर, हम एक फैमिली बन गए। एक्चुअली बहुत सारी यादें हैं वहाँ पे लद्दाख में। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, हम पल्टन एक इंडिया चाइना वॉर पे फिल्म है जहाँ पे आपको बहुत सारा एक्शन करना है और वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप थोड़ा भी वॉक स्पीड में करते हो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वहाँ पे मुझे याद है एक सीक्वेंस था जहाँ पे मुझे भागना दौड़ना था, मुझे इतनी ऑक्सीजन की कमी थी और यू नो मैं जेपी सर के पास गया और उनको मैंने कहा कि सर मुझे लग रहा है मुझे ऑक्सीजन चाहिए। थैंक गॉड हमारी यूनिट में हमेशा एक एम्बुलेंस रहती थी और मुझे वहाँ पे तुरंत ऑक्सीजन दिया गया और उसके बाद मैं ठीक हुआ। तो वो जो डर होता है, अचानक ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और क्या होगा, लेकिन उस माहौल में ऐसे ही काम करना पड़ता है। और आई थिंक वो एक जोश है, एक हम आर्मी वाले बने हैं तो एक उनके लिए हमने ये सब कुछ किया। वेल मेरे डैड आर्मी में थे और अभी उनको अभी मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर वो रिटायर होंगे, अभी भी आर्मी में हैं। और तो मैं बचपन से मैंने आर्मी देखा है, आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ, आर्मी स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, तो मेरे लिए आर्मी सब कुछ है यू नो। और मुझे जब मौका मिला और बॉर्डर फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो हम आर्मी के बच्चे और आर्मी वाली सारी दुनिया ने देखी है, जेपी सर का फ़ैन रहा हूँ, और जब मुझे ये मौका मिला तो मैं कूद के मैंने ये मौके को जाने नहीं दिया। और जब मैंने जेपी सर को कहा कि सर क्या तैयारी करना पड़ेगा मुझे आप बताइए मैं क्या करूँ, तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा कि कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ वहाँ पे, सब करवा दूँगा। वेल 17 साल के बाद ऐसा मौका मिला है और बहुत खुशी की बात है और यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश का नाम रोशन हुआ है। चलो थैंक यू। हम पूरे इंडिया को पता है और वहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा, मैं जवानों से मिला था जाते ही, तो उनके बीच में मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया फ़ोन ऑन करके कि वो गाना गाएं बॉर्डर का। मैं पूरा सेंटेंस भी ख़त्म नहीं कर पाया, उन्होंने पूरा गाना एक एक बंदे ने आके गाया, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि इतना ज़्यादा पेनिट्रेट उनकी फिल्में करती हैं। तो आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। सर अगर जेपी सर वहाँ पे शूट कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा देर वहाँ पे खड़े रह सकते हैं, तो हमारे लिए शर्म की बात है अगर हम ऐसा कुछ बोलें। बट यस, इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशंस वहाँ पे हैं, क्लाइमेट बहुत हार्श है, टेरेन बहुत हार्श है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे नहीं कम। तो अगर जेपी सर कर सकते हैं तो हम लोगों को तो उनसे क्यों लेना चाहिए। सोल्जर से हमने थोड़ा सेल्फलेस होना सीखा लाइफ में, हम लोग बॉम्बे में थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, तो उनसे हमने सीखा सेल्फलेस कैसे होना चाहिए और कैसे वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ अपने कंट्री के लिए सब कुछ करते हैं। बहुत ही अपने आप को अपने अंदर से काफ़ी कुछ मालूम पड़ता है हमारे बारे में, क्योंकि वहाँ 55 डेज हम लोग रह के आए विदाउट नेटवर्क, विदाउट डेली इंटरेक्शन। हम लोग यहाँ पे तो बहुत लोगों से टच में रहते हैं, वहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं रहता, तो हम लोग अपने आप में रहते हैं और हम 4-5 ही लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो अपने बारे में ज़्यादा जानने को मिलता है। तभी लोग कहते हैं पहाड़ों में चले जाओ, तो आई थिंक दीज आर द प्लेसेस वेयर यू गेट टू लर्न मोर अबाउट इट। नहीं, मैं तो बॉर्डर के गाने गा पाता हूँ। हाँ, वो फिर से आ जाए मैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी, प्रोड्यूसर साहब से पूछना पड़ेगा। हाँ मैम से आप बात करो। अब हमको 4 दिन भी नहीं हुए हैं आके और हम सब आ गए हैं लंच के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना अब रह नहीं सकते। जब वाईफाई नहीं होता, 4G नहीं होता, तो आई थिंक रिलेशनशिप ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। ये सबका हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है कि भाई 4 दिन हो गए हम नहीं मिले, घर वाले बोल रहे हैं कि बहुत अजीब हो गए हम लोग। अब
about the movie? Movie to dad ka hi tha, of course, JP sir ka tha. He has been wanting to make this for the last year or so. So we've been planning, prepping, getting the unit ready for Ladakh. And Ladakh mein summer mein shoot karna aur Ladakh mein winter mein shoot karna, kyunki wahan to winter aa hi gaya hai, is completely a different thing, but it was quite amazing. I think all that effort that JP sir had put in to bring the whole team together, the whole Palton together, was very, very special. बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके. और करीबन जब 40-50 दिन आप एक पूरी टीम के साथ रहते हैं तो आई थिंक दैट मेक्स इट वेरी वेरी स्पेशल. है ये ऑक्सीजन ही है वहाँ पर, और फिर टेम्परेचर -14, -15, -10 रहता है वहाँ पर. तो शूट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप एक सोल्जर का रोल प्ले कर रहे हो तो आई थिंक यू डोंट थिंक टू मच और यू जस्ट गो ऑल आउट. या बहुत अच्छा था. इनफैक्ट अभी जैकी जैन के साथ हो गया है, अभी पल्टन के साथ जेपी सर के साथ किया काम, वो बड़ा स्पेशल था. आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड डूइंग अ वॉर फिल्म. और जब आप जेपी सर जैसे डायरेक्टर के साथ काम करते हो तो बहुत अच्छा ही लगता है. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट शेड्यूल यार जब हो रहा है. आई थिंक इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर द होल कंट्री कि 17 साल बाद वापस क्राउन आया. सो जस्ट वॉन्ट विश विश आर ऑल द बेस्ट फॉर दिस यार. आई ऑलवेज बिलीव कि मेरे डैड हमेशा चाहते थे मैं आर्मी में हूँ. मौका नहीं मिल पाया, एक्टर बन गए, लेकिन प्लेइंग अ रोल इन पल्टन वॉज वेरी वेरी स्पेशल. और वापस ऐसा लगा जाकर कि फिर वापस आर्मी में भर्ती हो गई है. थैंक यू.